क्या फीमेल रोबोट दिखेंगी फिल्म में? क्या खासियत है अमिका की? किन चीजों से बनी है अमिका? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो CES 2022 में यूनिक गैजेट्स की झलक देखने को मिली। इनमें एक ह्यूमन रोबोट भी शामिल है, इसका नाम है अमिका। इसे रोबोट का फ्यूचर फेस भी कहा जा रहा है, जिसे हम रोबोट 3.0 में भी देख सकते हैं, क्योंकि फिल्में लोगों के लिए अब एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रह गई हैं, बल्कि ये लोगों तक देश दुनिया में हो रही एक्टिविटी को भी पहुंचाने लगी हैं। बता दें, इस रोबोट को एक महिला का चेहरा दिया गया है। रोबोट की खास बात यह है कि ये किसी इंसान की तरह बात करती है। इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी एकदम इंसान की तरह हैं। CES के दौरान इसने काफी सुर्खियां भी बटोरी थीं। ये आपकी बातों को सुनेगा, समझेगा और जवाब भी देगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो के दौरान अमेका रोबोट से बातचीत का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में से जो पूछा गया उसने इसका सही जवाब भी दिया। रोबोट से सवाल किया गया, क्या तुम भगवान पर भरोसा करती हो? रोबोट ने जवाब दिया, मैं किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करती। फिर रोबोट से सवाल किया गया, तुम्हारा नाम क्या है? रोबोट ने जवाब दिया, मेरा नाम अमेका है, तुम्हारा नाम क्या है? तो देखा आपने, टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई। बता दें, AIAB पर काम करती है अमेका। अमेका रोबोट को इंसान की तरह दिखाने के लिए इसमें ह्यूमन लाइफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ह्यूमन लाइफ आर्टिफिशियल बॉडी AIAB का इस्तेमाल किया गया है। अमेका पर पावरफुल ट्रीटियम रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सिस्टम का परीक्षण और विकास किया जा सकता है। अमेका में ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स हार्डवेयर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही अमेका की बेहद खास जानने वाली तीन बातें, मॉड्यूलर डिजाइन। इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मॉड्यूलर है, इसे आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है। इसके सभी मॉड्यूल स्वतंत्र रूप से चलते हैं। इसमें एक सिर और हाथ लगाए गए हैं, बाकी बॉडी रोबोटिक है। सिर में क्लाउड, इसके सिर में ट्रीटियम रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, जो क्लाउड कनेक्टेड प्रोग्राम से कनेक्ट है। ये चीजों को सुनकर और समझकर आगे के इंस्ट्रक्शन देता है। नेचुरल मोशन, बातचीत करने के दौरान इसके चेहरे के हाव भाव एकदम इंसान के चेहरे जैसे लगते हैं। अमेका मनुष्यों और किसी भी मेटावर्स या डिजिटल क्षेत्र के बीच में कन्वर्सेशन के लिए एकदम आदर्श मंच है। तो इस अमेका वर्जन को हम रोबोट 3.0 में देख सकते हैं, जिसमें फिल्म को फीमेल रोबोट से एक अलग ही हाइट मिल सकती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़।